पुलिस को पता है, पुलिस आकर के खुद हफ्ता लेती है उनसे, खुद पैसा लेती है। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठा करके देखे शाबाद डेयरी का, यहाँ पे कितने मर्डर हुए हैं, कितनी समस्याएं हुई हैं, लेकिन तब ये बजरंग दल आरएसएस और ये बीजेपी वाले कहाँ पे मतलब अपने कान में तेल डाल करके सो गए थे। 2020 में क्या हुआ, जाफराबाद में कपिल मिश्रा भाषण देके तो चला जाता है, उनके बेटे तो नहीं मरते। आप कहेंगे क्या, जो हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ताकि लोगों को बांट सके, स्थानीय लोगों की, हम लोगों की यही मांग है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम अपनी शाहबाद डेयरी को दंगों की प्रयोगशाला तो नहीं बनने देंगे। संसद में इनके नेता पोर्न मूवी देखते हुए पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है, इनको अभी यहाँ की बात क्यों आ दी है? हिंदू राष्ट्र क्या है, इनका एक ढकोसला है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस नाम पे अगर बांटेंगे नहीं तो जनता के बीच मुद्दा क्या रह जाएगा? मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी का नाम सीमा नकवी है ना। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, शाहबाद डेयरी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे दिल्ली में दिल को झकझोर देने वाला मामला हुआ था। साक्षी गौतम जो एक दलित लड़की है, जिसको मार दिया गया 20 बार चाकू गोद के, हम उसके घर के बाहर खड़े हैं। इसके घर में आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। यहाँ पे इसकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, इसके परिवार वाले यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। 2-4 सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले तो साक्षी के कैरेक्टर पे कि साक्षी के 2 बॉयफ्रेंड्स थे, इस तरीके की बातें की जा रही है। और टीवी मीडिया में ये भी दिखाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल, तो जो टीवी मीडिया पे दिखाया जा रहा है उससे अलग हम यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं और कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो लोग सोचते क्या हैं। एक बार हम लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो टीवी मीडिया पे दिखाया जा रहा है। मैडम आप थोड़ा बाहर आ जाइए, आप लोग यहीं की हैं? वो है, आप लोग यहीं पे रहती हैं? नहीं बेटा, हम कहीं होते। आप लोग यहाँ की नहीं है? तुम बोल लो ना। मेरे साथ एक महिला मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि टीवी पे दिखाया जा रहा है, साक्षी पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसके 2 बॉयफ्रेंड्स थे और हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरे बजरंग दल आरएसएस और जो बीजेपी है, इस पूरे मसले को जो लव जिहाद के मामले में मोड़ दे करके मोड़ रही है, पूरा बदल रही है इस मसले को, ये गलत है। और ये ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये पूरा उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल आज ये बनता है कि क्यों शाहबाद डेयरी जैसे मजदूर इलाकों में नशाखोरी और अश्लील फिल्में, इन तमाम चीज़ों का क्यों व्यापार होता है? तो एक टूल तो मिलता है ऐसी मानसिकता को। हम लोग तो यही बात करते हुए आए हैं, जो उस लड़की के साथ हुआ 28 तारीख को हुआ, उसके बाद 29 तारीख को भाजपा, आरएसएस, हिंदू राष्ट्र दल और ये तमाम लोग ऐसे आते बजरंग दल वाले यहाँ पे माहौल ख़राब करने के लिए, कि लव जिहाद का पूरा एंगल देने के लिए। लेकिन स्थानीय लोगों की, हम लोगों की यही मांग है, हम लोग यही चाहते हैं कि हम अपनी शाहबाद डेयरी को दंगों की प्रयोगशाला तो नहीं बनने देंगे। हम लोगों की यही मांग है, जिसने ये गलती की है, साहिल जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, एक उदाहरण यहाँ पे लोगों के सामने पेश किया जाए। और एक सवाल ये भी हम लोग कर रहे हैं सरकारों से कि सरकारें तब कहाँ थी जब शाहबाद डेयरी जैसे मजदूर इलाकों में कदम कदम पे आपको सूखे नशे से लेकर के गांजा समेत सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अश्लील फिल्में आपको 10 रुपये में चिप भर करके यहाँ पे एकदम खुले में बाजार में मिल जाती है, तब ये सरकारें कहाँ थी? इससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई, इससे पहले भी यहाँ पे मर्डर होते हैं आए दिन। यहाँ पे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठा करके देखे शाहबाद डेयरी का, यहाँ पे कितने मर्डर हुए हैं, कितनी समस्याएं हुई हैं, लेकिन तब ये बजरंग दल आरएसएस और ये बीजेपी वाले कहाँ पे मतलब अपने कान में तेल डाल करके सो गए थे। और आज एकाएक इन लोगों को हिंदुओं की याद आ गई है, क्यों? इस पूरे एंगल को जो ये लोग मोड़ रहे हैं आज हिंदू मुस्लिम में, तो ये तो गलत है। इस चीज़ को हम लोग अभी, हम लोगों ने यहाँ पे 29 तारीख को आए थे लोकल लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को दौड़ाया कि शाबा डेरी हमारी है, हम लोग देख लेंगे, हमारा भाईचारा है। इसको दौड़ाया आपने? बजरंग दल वाले थे, गोरक्षा दल के कुछ लोग थे, आरएसएस के कुछ लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग थे, हम लोगों ने यहाँ से दौड़ाया लोगों को, लोकल इस गली के भी कुछ लोग थे और शाबा डेयरी के कई गलियों के, कई ब्लॉक के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए कि इन लोगों को दौड़ाया कि हम लोग शाबा डेयरी को दंगों की प्रयोगशाला बनने नहीं देंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे सारे लोग जो हैं मजदूरी करते हैं, और अभी क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं तो अभी कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, कुछ महिलाएँ ही हैं घर पे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टीवी पे ये भी दिखाया जा रहा है कि वीडियो कॉल में बातचीत हुई थी उनकी, जैसे कि साक्षी और साहिल की वीडियो कॉल में बातचीत हुई थी, और ये एंगल दिया जा रहा है कि क्योंकि उसके पहले बॉयफ्रेंड परवीन से उसका चक्कर चल रहा था, इसके वजह से उसको मार दिया गया।
देखिए अब जो भी मसला था वो उनका पर्सनल मैटर है, हाँ जो उनका पर्सनल मैटर है, चाहे कोई भी मसला हो, इसमें सवाल ये उठता है कि कोई किसी को मारेगा, किसी को राइट नहीं है, है ना, मारना नहीं चाहिए था, ये एकदम चीज़ है इसमें। बाकी उनके बीच की जो बातचीत थी, जो भी सब चीज़ें थी, वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें आप और हम लोग बिल्कुल भी कुछ बयानबाजी नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर के। इसमें यही है जो उसके बाद जो हुआ, इसमें जो हिंदू लड़की कह करके, दलित लड़की कह करके, जो ये पूरा दंगे की राजनीति जो ये करने की बात कर रहे हैं अभी, उनके ऊपर सवाल एक है। मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे दलित लड़की नहीं होती या फिर लड़का मुसलमान नहीं होता तो क्या इतना ही तूल पकड़ता जितना तूल ये केस पकड़ा हुआ है, जो जितने लोग सारे एक्टिव हैं, क्या पहले भी होते एक्टिव? हाँ नहीं, देखिए इलाके के लोग तो बिल्कुल एक्टिव होते, तब भी चाहे हिंदू लड़का होता। नहीं नहीं, विश्व हिंदू परिषद नहीं, ये नहीं होते, ये नहीं होते, इनको तो अभी लव जिहाद की पूरी बात करनी है, आरएसएस को, बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को, तब यही बात करनी है। क्या फायदा होगा इनको? तो देखिए ना, 2024 में चुनाव है, वहां से सीधी अपनी चुनावी कोट लाल करेंगे ये लोग। ये लोग ब्रिजभूषण के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, ये कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर, हाँ कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर ये लोग क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये लोग ये तमाम इनके जो चिन्नमन स्वामी से लेकर के तमाम लोग थे जो आरोपी बैठे हैं संसद में, इनके नेता पोर्न मूवी देखते हुए पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? इनको अभी यहाँ की बात क्यों याद आ रही है? हाथरस में हुआ, बलरामपुर में हुआ, तब ये लोग कहाँ पे, ये कहाँ सोए थे ये लोग? अभी एक आक हिंदू मुस्लिम का पूरा एंगल बना करके, क्योंकि अगले साल चूंकि चुनाव है और ऐसे इलाकों में इन लोगों की पैठ नहीं है बिल्कुल, ये लोग आते हैं इनको दौड़ा दिया जाता है, तो ये अभी यहाँ पे एक अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे, प्रयोगशाला के तौर पे ये लोग चाह रहे हैं यहाँ पे सब चीज़ें तैयार कीजिए, अख्तियार किया जाए, इसलिए अभी ये लोग इस तरीके का एंगल दे रहे हैं। हम कुछ और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आप लोगों को, हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमने आपको बताया कि किस तरीके से टीवी मीडिया जो है दिखा रही है हिंदू मुस्लिम का एंगल, लेकिन उस चीज़ को ये लोग नकार रहे हैं, उस चीज़ से ये लोग इनकार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदू भी होता तो गलत कर सकता था, वो भी मार सकता था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो जो चीज़ें टीवी पे चल रही हैं उससे ये लोग जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, ये कह रहे हैं हम इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि 2024 में अभी चुनाव होने वाला है तो इस चीज़ को एंगल दिया जा रहा है बीजेपी वाले, और आप लोगों ने शपथ ली है कि बीजेपी वाले को हम आने नहीं देंगे, ऐसा क्यों? बीजेपी तो अच्छा काम करती है। नहीं, आप भी जानते हैं बीजेपी कितना अच्छा काम कर रही है, अभी ब्रिजभूषण से लेकर के जो मैंने अभी नाम लिया आप लोगों के सामने, अभी ये लव जिहाद का मुद्दा ऐसे ही मजदूर इलाकों में आकर के बनाएंगे, लेकिन इनके खुद के नेता मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के तमाम लोगों ने अपनी रोटी बेटी का इनका पूरा रिश्ता चलता है, अंसारी कौन है वो, मुख्तार अंसारी, कुछ मुख्तार, हाँ इन सब लोगों के आपस में सारे इनके चलते हैं, रिलेशन चलते हैं रोटी बेटी के, लेकिन जब बांटने की बात आती है तो ऐसे मजदूर इलाकों में ये लोग आते हैं और फूट डालने की बात। साथ कुछ युवा हैं, आपका नाम क्या है? करण नाम है मेरा। करण जी, तो आप क्या कहेंगे करण इस पे? देखिए ये पूरा जो अभी बना रहे हैं ना लव जिहाद का जो पूरा मुद्दा बना रहे हैं, असल में देखिए कुछ लव जिहाद नहीं है, है ना, ये जनता को असल मायने में लड़ाने का काम होता है। सही मायने में अगर लव जिहाद है ना, तो सबसे पहले भाजपा को अपने नेताओं को लात मार के निकालना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी है ना, उसका पति कौन है? उसके सुहासिनी है, सुहासिनी जिसका नाम सुहासिनी हैदर है, उसके उसके पति का नाम है नदीम हैदर, है ना। ये है क्या कहते हैं रेणु शर्मा, ना एक क्या कहते हैं इनका नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी का नाम सीमा नकवी है ना। रेणु शर्मा है क्या कहते हैं एक और है इनका, दूसरा एक नेता है नाम याद नहीं आ रहा। कहेंगे क्या जो हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ताकि लोगों को बांट सके, है ना, बिल्कुल। ये देखिए इनका तो सही इनका तो बांटने का ही तरीका है ना हिंदू। भाजपा का नारा तो ये है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, उनका नारा है पूंजीपतियों का साथ पूंजीपतियों का विकास। ये इसीलिए किया जाता है ना कि लोग अपने असली मुद्दों को ना उठा सके। पूंजीपतियों का तो विकास हो रहा है, हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है। देख लीजिए महंगाई में, देख लीजिए आटा चावल दाल तेल चीनी नमक गैस पेट्रोल हर चीज महंगी होती जा रही है, है ना। आटा कितना महंगा हो गया, गैस 450 का हुआ करता था क्या कहते हैं 2014 में, आज देख लीजिए 1130 है, 1103 रुपए का। लेकिन जो बाबा लोग जो हैं, जो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हैं, वो लोग कहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र होता तो बेटियों के साथ ये नहीं होता। ऐसा तो नहीं है क्या, मतलब हिंदू राष्ट्र, देखिए पहली बात तो हिंदू राष्ट्र ऐसी कोई चीज नहीं है। असल में क्या होता है ना, देखिए ये पार्टी जो है ये थोड़ी विशेष प्रकार की पार्टी है, फासिस्ट है। जैसे जर्मनी में हिटलर था, यानी यहूदियों को मारने के लिए और क्या कहते हैं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक मिथ्या राज रखा जाता है कि हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र में सब कुछ हो सके, बहुत अच्छा होगा, हिंदू राष्ट्र में सब लोग मिलके बैठ के, कोई हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, है ना। हिंदू राष्ट्र क्या है, इनका एक ढकोसला है जो जनता को बांटने के लिए। हिंदू राष्ट्र जैसी चीज हर बार क्या होता है ना, देखिए अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस नाम पे अगर बांटेंगे नहीं तो जनता के बीच मुद्दा क्या रह जाएगा, जनता के बीच यही मुद्दा। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं, जो ये जो मर्डर हुआ है इसमें क्या चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो? बिल्कुल, देखिए
इसके अंदर तो हम लोगों की मांग है कि जो अभी साहिल नाम का जो लड़का पकड़ा गया, जो कानूनन उसको सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है दी जाए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मांग ये हम लोगों की है कि जो अभी ये भाजपा वाले आरएसएस वाले पूरा इस पूरे मुद्दे को जो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें एकजुट होना होगा। क्योंकि देखिए जब दंगे होंगे ना, इनके नेता तो भाषण देके चले जाएंगे। 2020 में क्या हुआ, जाफराबाद में कपिल मिश्रा भाषण देके तो चला जाता है, उनके बेटे तो नहीं मरते हैं। किसी भी दंगे का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी का बेटा नहीं, अमित शाह का बेटा तो नहीं मरता भाई दंगे में, मरेगा कौन, हम आप लोग, है ना। तो हम आप लोगों को एकजुटता बनानी पड़ेगी। और जैसे अभी कुछ दिन पहले शपथ ली गई, अभी कल ही एक शपथ ली गई थी कि अपने इलाकों से ऐसे कोई सौदे भाजपा आरएसएस वाले आते हैं, इनको लात मार के भगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछने चाह रही हूँ कि जिस तरीके से पहले भी यहाँ पे कुछ चीजें हुई हैं, जैसा कि इन्होंने कहा था मैडम ने कि यहाँ पे पहले भी कई मर्डर हो चुके हैं, मुस्कान का मुस्कान और भी कई, उस समय क्या इतनी एक्टिव थी बीजेपी? नहीं उस समय देखिए असल में एक्टिव मतलब उस समय देखिए उतना एक्टिव नहीं थी, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मेन चीज ये देखिए एक्टिव कब होते हैं, एक्टिव होने का इनका एक समय होता है। एक्टिव होने का जब समय होता है कि कोई ऐसा मुद्दा जिसको सांप्रदायिक रंग दिया जा सके, है ना, कोई ऐसा मुद्दा जिसको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जा सके, उस समय एक्टिव होते हैं, है ना। साक्षी मलिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर उसके ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, है ना, जब क्यों नहीं एक्टिव है भाई, उसको भी निकलवाइए, है ना। चिन्मय आनंद से लेके कुलदीप सिंह सेंगर पूरे परिवार को खत्म करवा दिए लड़की के, ना जानते हैं बहुत फेमस केस है कुलदीप सिंह सेंगर ने, ना पूरे परिवार को खत्म करवा दिए भाई, तो उसको भी करो ना फिर जाके। हाँ लेकिन अभी ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या जैसे कि तमाम जो मर्डर्स हुए हैं यहाँ पे, तो क्या लग रहा है इसके बाद आप लोग कुछ ऐसी मांग करने वाले हैं जिसके बाद से यहाँ पे कुछ ऐसा कानून बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाया जा रहा है और कानून पे भी सवाल उठा कि बार बार इसी इलाके में क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए ये बात सिर्फ शाहबाद डेरी की नहीं है, शाहबाद डेरी में चंद उदाहरण मैंने आपको दिए, हाँ, लेकिन ये सारे मजदूर इलाकों की बात है जो पूरी दिल्ली में ऐसे हैं या पूरे देश भर में फैले हैं। वहाँ पे हम लोग यही बात करें कि आज भाजपा जिस इस चीज़ को एंगल दे रही है लव जिहाद का, ये एंगल ना दे करके यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा के सवाल बनते हैं यहाँ, हाँ, तो हम लोगों की यही डिमांड है, हाँ हम लोगों की यही डिमांड है कि पुलिस की प्रॉपर पेट्रोलिंग यहाँ पे हो, सीसीटीवी हाँ बिल्कुल हो, रात में 9:15 बजे मर्डर हो जाता है, आदमी काम वाम से लौट करके आता है और मजदूर इलाके आमतौर पे 11-12 बजे तक वैसे गुलजार रहते हैं, तो पुलिस की प्रॉपर पेट्रोलिंग हो, सीसीटीवी कैमरे हो और एक पूरा ढांचा नशाखोरी बंद की जाए। सीसीटीवी तो था तभी तो मालूम चला कि हाँ, नहीं वहाँ था क्योंकि वहाँ पे विधायक का ऑफिस है, उसके अलावा यहाँ पे ऐसी गलियों में नहीं कहीं पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यहाँ पेट्रोलिंग हो, पुलिस की पेट्रोलिंग हो, सीसीटीवी कैमरे लगे, नशाखोरी जो है वो बंद हो, क्योंकि हर नुक्कड़ चरवा पुलिस को पता है, पुलिस आकर के खुद हफ्ता लेती है उनसे, खुद पैसा लेती है। इसके साथ ही अश्लील फिल्मों का या अश्लील गानों का जो पूरा व्यापार है, 10-10 रुपए में आपको पूरा यहाँ पे मेमोरी कार्ड भर करके दे देंगे, इन तमाम चीजों पर रोक लगाई जाए तभी जाकर के चीजें ये खत्म होंगी। तो ठीक है, मैंने अभी यहाँ के लोकल लोगों से बात की, आपको एक बार और उसके घर की जो साक्षी के घर की तस्वीर दिखाएंगे, और लोग जो यहाँ के ये कह रहे हैं कि जितने तमाम तरीके के जो है यहाँ पे पहले भी घटनाएं हुई हैं, इसको रोक लगाने के लिए जो है पुलिस को पेट्रोलिंग करनी चाहिए, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ये मजदूर इलाका है और यहाँ पे इनका कहना है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, इन्होंने कहा है कि पुलिस यहाँ पे आके हफ्ता लेती है, हालांकि इस तरीके की बातें ये लोग उठा रहे हैं और इन्होंने कहा है कि आगे ना हो ऐसी कोई वारदात, दूसरी कोई साक्षी गौतम ना बने, इसके लिए पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पे होनी जरूरी है, पुलिस को तैनात होने की जरूरत है। और आप लोगों को हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ के लोग सोचते हैं, लव जिहाद के एंगल को इन्होंने नकारा है, इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो टीवी मीडिया पे चलाया जा रहा है वो एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। आप इस पूरी खबर पे क्या सोचते हैं? हम अभी इसके बाद, इसके घर के बाद साक्षी के अभी घर पे मौजूद है और अभी हम आपको उस जगह भी ले जाएंगे जहाँ पे मर्डर हुआ था। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।